सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल आई एम एंड दिस इज अनअकेडमी यूपीएससी ओके अब देखो यार सिंपल सी बात है कि जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो काफ़ी दिनों से देर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन म्यांमार ओके फर्स्ट फेब 2021 को म्यांमार में कू हो गया था जिसमें मिलिट्री ऑफ म्यांमार टेकन ओवर अगेन न द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट एज मच एज वी शुड बिकॉज ऑबियसली वी हैव अ क्राइसिस ऑफ आर ओन हमारे पास खुद की एक क्राइसिस और बड़ी और इतनी बड़ी क्राइसिस है कि हम बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं बट टेक अ स्टेप बैक एंड ऑल्सो लुक इन टू वट इज हैपनिंग इन म्यांमार ठीक है कोविड क्राइसिस के बीच में हम ये भी भूल गए कि देखिए दे वॉज अचुएशन जहां पर अब यही पता चल रहा था कि म्यांमार से म्यांमार के पुलिस वाले जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं एंड द ओनली रीजन इज दे डोंट हैव एनी एल्स टू गो उनकी आर्मी कह रही होगी उनके लोगों को मारो और वो ये नहीं करना चाहते सो so, इस तरह की सिचुएशन जब आ रही है म्यांमार से तो देर इज लॉट टू डिस्कस एंड वी हैव टू डू इट तो लेट स्टार्ट एंड डिस्कस अबिट फ्यू मोर थिंग्स अबाउट म्यांमार वॉट इज एक्जैक्टली गोइंग ऑन देयर और जो भी लेटेस्ट न्यूज आई है कि आसियान कंट्रीज़ आपको पता है आ, आसियान कंट्रीज़ का एक दस कंट्रीज़ का ग्रुप है जो साउथ ईस्ट एशिया में है 1967 में बना था एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ओके इस पूरे ग्रुप ने ये बोला है कि भाई म्यांमार की जो आर्मी है ठीक है म्यांमार की आर्मी से उन्होंने कहा था कि भाई आसियान की एक टीम को आप आने दीजिए और हम बिल काट के बात करते हैं कि इशू को कैसे रिजॉल्व करना है लेकिन म्यांमार की अभी प्रेजेंट रिचीम ने आर्मी जनता ने मना कर दिया ये करने से तो लेट्स डिस्कस दिस होल इशू कि क्या हो रहा है आसियान किस तरीके से इसमें रोल प्ले कर रहा है एग्जैक्टली exactly, ग्राउंड पे क्या हो रहा है चाइना क्या कर रहा है और इंडिया जो कि अपनी खुद की एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है वेदर इफ़ वी आर इन अ सिचुएशन की वी कैन डू एनी इन है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दिस इज सम इफॉर्मेशन अबाउट मी इफ यू आर न्यू प्लीज गो थ्रू दिस होल पेज एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज भी ऑन दिस आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू लेट्स आल्सो ऑलसो डिबेट अबाउट अन अकेडमी बिकॉज अल्टीमेटली द एंड ऑफ द डे अकेडमी इज प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट तो भाई इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एस्पिशंस मेक श्योर टू यूज द प्लेटफॉर्म एज मच एज यू कैन मोस्ट ऑफ द क्लासेज आर फ्री है आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ द क्लासेज विच आर फ्री ठीक है एंशियट हिस्ट्री के अभी लेक्चर्स चल रहे थे अब मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अटेंड करें इन लेक्चर्स को अटेंड करके अगर आपको लगता है कि ओवरऑल आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है कुछ अच्छा हो रहा है देन यू गो ए स्टेप फर्दर ठीक है कोड यूज करें एसपी और सब्सक्रिप्शन ले टेन परसेंट डिस्काउंट आपको कोड की वजह से मिल जाएगा और सब्सक्रिप्शन से आप ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव लेवल पे आ जाएंगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ ओके सो दैट विल बी वेरी गुड अन अकेडमी आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहा है कोविड टाइम्स इट्स डिफिकल्ट टाइम्स और आप अपनी पढ़ाई पे जितना ज्यादा ध्यान दें उतना अच्छा है अन अकेडमी आपके को दस हजार रुपए की बुक्स अलग से भेजेगा आपके घर जैसे कोविड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी या थोड़ी सी नॉर्मल होगी कोरियर सर्विस एक बार शुरू हो जाए आपको ये बुक्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी बारह महीने का सब्सक्रिप्शन होता है एक साल का अब बारह महीने का लेंगे उसको तीन महीने का एक्सटेंड कर दिया जाएगा अन अकेडमी यह जान रही है कि भाई कोविड सिचुएशन यू नेवर नो कितनी लंबी खींचेगी अगले साल एग्जाम कब होगा तो लीजिए तीन महीने का सब्सक्रिप्शन भी इंक्रीज कर दिया गया वो सारे स्टूडेंट जिनको कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाली इशूज़ कि सर बैंक अकाउंट है लेकिन आ, हमारे यहाँ किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और दिस ऑल दो थिंग्स दिंग्स ऑल्सो हैव बीन टेकन केयर ऑफ एक लिंक है जो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा उस लिंक को फिलअप करिएगा नीचे आप फिलअप छः वो कॉलम कर देंगे और उसके बाद फिर आपको अनकेडमी से कॉल आ जाएगा विदाउट एनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड विदाउट एक्स्ट्रा विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा आपको जीरो परसेंट ई की फैसिलिटी मिल जाएगी दो घंटे के अंदर आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा ऑल यू हैव टू डू इट वर्क एंड स्टडी दैट्स इट तो आपसे वही उम्मीद की जाती है जो एज अ स्टूडेंट की जानी चाहिए दैट इज आप अपनी पढ़ाई करेंगे मन लगा के ठीक है बारह मई से ये सारी बैचेज शुरू हो रही हैं उसके पहले सब्सक्रिप्शन लें अपनी पढ़ाई करें एंड यू विल एक्सेल बहुत सिंपल सी बात है वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अब इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं ओके वो इंटरव्यू वाले सेशन जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बार इंटरव्यूज फेस किए हुए हैं सो आप इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बटर मैनर ठीक है फ्री टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली इट विल अगेन भी हेल्पफुल फॉर यू तो अटेंड करते रहे और हम बात करते हैं म्यांमार की देखो एक खबर आई कि भाई देखो सिंपल सी बात है म्यांमार में फर्स्ट ऑफ फेब जब से कू हुआ आर्मी वापस पावर में आई पहले महीने तो चीज़ें बहुत ही स्मूथ चली लेकिन बाई ट्वेंटी सेवन्थ और ट्वेंटी एट ऑफ फेब आर्मी थोड़ी सी एग्रेसिव हुई और फर्स्ट ऑफ मार्च से जब एक्स्ट्रा प्रोटेस्ट शुरू हो गए उसके बाद से आर्मी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई अभी क्यों हो रही है क्या रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले मैं आपको कुछ फिगर्स बता दूँ कि मीनवाइल हम इंडिया में थोड़े परेशान हैं हमारी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड को लेकर लेकिन इस बीच में म्यांमार की आर्मी ने वहाँ पे 774 सिविलियंस को मार दिया अब देखिए सात लोगों को मार देना इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग एंड दैट ऑल्सो आप अपने ही देश के सिटीजन्स को अगर आपकी आर्मी मार रही है तो देर इज समथिंग एक्सेप्शनली रॉन्ग एंड समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट अब वो कुछ किया नहीं जा रहा उन विच इजन प्लेस टू थ्रू आउट द मार्च एंड अप्रैल मंथ ओके अब ही देखिए क्या होगा अब मैं आपको कुछ समझा दू ये नीचे पिक्चर लगी हुई है जनरल मिंग ऑंग लांग की ही इज राइट नाउ द पर्सन इन पावर यह आर्मी चीफ है उनके ओके ही इज नाउ राइट नाउ द पर्सन इन पावर अब मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था फिर हम इस लाइड पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे देखिए हुआ ये कि ओंग साग सुकी ने इलेक्शन लड़ा था ओके okay. इलेक्शन uh, हुए म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ द सीट आर ऑलवेज रिजर्व फॉर आर्म फोर्सेज डिफेंस मिनिस्टर हैज टू बी एन पर्सन फ्रॉम आर्म फोर्सेज ठीक है नेशनल सिक्योरिटी वाली बातें आर्म फोर्सेस के पास होती हैं वाइस प्रेसिडेंट आर्म फोर्सेस का होता है 26 परसेंट पार्लियामेंट में भी आर्म फोर्सेस की सीटें रिजर्व होती हैं ये सारी चीजें क्यों हैं क्योंकि 1961 से 2011 तक लगातार आर्मी ही म्यांमार पे राज कर रही थी अच्छा ऑंग सांग सुकी की जो पार्टी है उसने इलेक्शन जीते पिछली बार भी जीते थे इस बार जब इलेक्शन वापस हुए तो इस बार और ज्यादा मेजोरिटी के साथ जीते टू थर्ड मेजोरिटी के साथ और इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ कि आर्मी को यह लगा कि भाई ये छब्बीस परसेंट उनकी सीटें होने के बाद भी ऑंग सांग सू की विल बी इन अ पोजिशन टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके बाद वो जो चेंजेस लाएंगी दैट विल बी ड्रास्टिक फॉर द आर्म फोर्सेज क्योंकि फिर म्यांमार की आर्म फोर्सेज का जो कंट्रोल है पिछले ऑलमोस्ट सत्तर साठ सालों से वहाँ की सरकार पे वो कंट्रोल चला जाता और इसीलिए फेबरी फर्स्ट को म्यांमार की आर्मी ने ये कहते हुए कि चुनाव में धांधली हुई है कू किया कू डटा किया और तख्ता पलट जिसे हम हिंदी में कहते हैं उर्दू में भी और गवर्नमेंट को हटा दिया ऑंग सांग सुखी को इमिडिएटली अरेस्ट कर लिया गया बाद में ऐसा कह दिया गया कि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी जिसके कारण ये डिफिकल्टीज हो रही थी और ही वॉज शी वॉज इन्वॉल्व इन द करप्शन केसेज तो ये सारी बातें हो गई चलिए ठीक है इसके बाद फिर अब डिफिकल्टी शुरू हुई एंड दैट इज़ समथिंग वी हैव टू डिस्कस ओके लेट मी जस्ट चेक वंस बिकॉज दे वॉज समथिंग कनेक्टिविटी इशू और समथिंग चलिए इट्स फाइन सो देखो अब क्या हुआ कि अभी क्या हुआ पहले तो म्यांमार के आर्मी के इस एक्शन के कारण पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सैक्शन म्यांमार के ऊपर 2011 में हिलेरी क्लिंटन जब यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो जो सैंक्शंस हटाए गए थे उन सेंक्शंस को री इंपोज कर दिया गया 2011 में गॉट इट अगेन नेक्स्ट थिंग अब ये सारे सेंशन री इम्पोज कर दिए गए यूरोपियन यूनियन ने भी सेंशन लगा दिए अमेरिका ने भी लगा दिए ब्रिटेन ने भी अलग से सेंक्शंस वापस लगा दिए ठीक है इंडिया ने अभी ऐसे सेंक्शंस नहीं लगाए हैं और इंडिया ने सेंक्शन इससे नहीं लगाए हैं क्योंकि म्यांमार की आर्मी इज वेरी क्लोज टू चाइनीज गवर्नमेंट और अगर इंडिया सेंशन लगाएगा तो चाइना के और क्लोज हो जाएंगे एंड दैट इज समथिंग इंडिया डोंट वॉन्ट लेकिन इस समय एक नया ग्रुप है जो काम पे आया और वो है आसियान ओके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ये 1967 में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इनिशियली पांच फाउंडिंग मेंबर्स थे अब इसमें इन टोटल दस मेंबर्स हैं म्यांमार भी इसका एक मेंबर है ठीक है और ये एक इकोनॉमिक यूनियन की तरह काम करता है मोर से इन म्यांमार पॉलिटिक्स इन्होंने जनरल मिंग लांग से कहा कि आप एक हमें अलाउ कर दीजिए हम एक कमेटी बना के हम आते हैं वहां पे हम ऑंग संग सु से भी बात करेंगे हम आपके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करेंगे हम आपके म्यांमार के इलेक्शन कमीशन के जो पुराने ऑफिशियल से उनसे भी बात करेंगे और जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व किया जा सकता है और इफ़ यू ओनली लेट अस कम इन लेकिन अब जनरल मिंग ऑंग लांग ने कहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू लेट एनी कम इन टू राइट नाउ ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कोविड क्राइसिस का यूज़ करके क्योंकि म्यांमार की आर्म फोर्सेस को पता है कि जब तक कोविड क्राइसिस चलेगी तब तक कोई भी बड़ी कंट्री डायरेक्टली म्यांमार में इन्वॉल्व नहीं होगी और इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों को सप्रेस करने के लिए अच्छा इस टाइम पे एक चीज़ और समझ लें आप आप यहाँ पे ये यह देखेंगे कि बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप ये वो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि रोहिंग्या नहीं है ठीक है ये रोहिंग्याज नहीं है ये बर्मा ट्राइब के ही हैं लेकिन ठीक है लेकिन ये आर्मी के अगेंस्ट फाइट करते हैं उन्होंने भी कई सारे रिटेलिएटरी एक्शन किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है इन रिटेलिएटरी एक्शन का इम्पैक्ट इन द कमिंग डेज दिखाई देगा क्योंकि म्यांमार की आर्मी को अब एक और रीजन मिल जाएगा कि उनके तीस सोल्जर्स मरे हैं अब वो रिटेलिएट करेंगे और कारेन स्टेट जो उनका एक प्रोविंस है वहां पे आप और ज्यादा खून खराबा देख सकते हैं इससे यूनाइटेड स्टेट्स भी बहुत परेशान है आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले बराक ओबामा ने भी एक बकायदे एक पूरा लेटर म्यांमार के लिए लिखा था कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगा बट क्या एक्शन लेगा अभी क्लियर नहीं है अब एक्शन क्यों नहीं हो रहा है वॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन लेट्स डिस्कस दैट पोर्शन एक्शन क्यों नहीं हो रहा है आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फिर मैं यहां पर तब तक बता देता हूँ कि कैप्शन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ चाइना देखिए चाइना जो है वो म्यांमार के आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है आज से नहीं 1961 से ही करता है ओके एंड दैट इज़ वन ऑफ़ द रीजन कि बाकी कोई भी कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज उनके म्यांमार के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अगर आप यूएन का रास्ता यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने आपके सारे रेजोल्यूशन को वीटो कर देना है चाइना विल वीटो इट ओके अच्छा देन वॉट आर द अदर वेज अगर यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी प्लान करता है तो विद यूनाइटेड स्टेट्स ईस्ट एशिया में अब एंट्री नहीं करना चाहता ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स अभी बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान से निकला है आपको पता है अभी लास्ट वीक अभी उनके सैनिक जा ही रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि अब उनको वापस से एशिया में कहीं भी आना पड़े तो अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं आएगा ठीक है बचा कौन प्लेयर प्लेयर बचे दो आसियान जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया जिनका म्यांमार एक मेंबर है और दूसरा इंडिया इंडिया राइट नाउ इज गोइंग थ्रू इट्स ओन क्राइसिस और आसियान को ऑफिशियली तो म्यांमार की गवर्नमेंट अभी मिलिट्री गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट सो so, इसका आउटकम होगा क्या इसका आउटकम यह होगा कि म्यांमार में रिटेलिएशन और बढ़ेगा आर्मी की तरफ से भी बढ़ेगा और उसके रिएक्शन में फिर लोगों का भी बढ़ेगा आर्मी इस तरह की रिटेलिएशन कर क्यों रही है म्यांमार में उसका रीजन एक और है उसका रीजन यह है कि आर्मी ने म्यांमार की आर्मी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यांमार के लोग इस तरह से एक्शन लेंगे आर्मी के अगेंस्ट बिकॉज म्यांमार में 1961 से 2011 तक लगातार आर्मी का रूल था इसके कारण म्यांमार की आर्मी ने यह समझा कि लोग एक तरीके से उनको एक्सेप्ट करते हैं ठीक है वो ऑग सांग सु को चाहते हैं एज अ डेमोक्रेटिक लीडर बट अगर आर्म फोर्सेस कंट्रोल करती हैं चीजों को तो बहुत ज्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा लेकिन अब वो देखने को मिल रहा है और ऑंग सांग सुकी यानी सांग ओके ऑग okay? सांग सूची को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है ओके सो इन द कमिंग डेज व्हाट विल हैपन नो वन रियली नोज बट द ओनली प्रॉब्लम इज मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग टू गेट डाई बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ म्यांमार की मिलिट्री और उसका आउटकम क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व हो, हो सकता है जब पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन मिलके कोई एक्शन ले वो एक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ चाइना और इसीलिए सबको मिलके चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि वो म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बनाए वट विल हैपन वट सो एवर विल हैपन आई विल कीप यू अपडेटेड आई विल यू पोस्टेड और इसके अलावा कोई और क्वेरी अगर म्यांमार के रिगार्डिंग आपके पास होगी सो फील फ्री टू आस्क मी अंडर टेलीग्राम ग्रुप जिसकी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं अन अकेडमी अंडर्स को ठीक है एक और चीज़ जो आपके लिए भी जरूरी है मैं आपको बता दूं अन अकेडमी आपको 12 मई तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट दे रही है ठीक है आप अगर सारे सब्सक्रिप्शन साथ में मिलाकर लेंगे तो आपको फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ में एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बिकॉज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शनल पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपको टेन परसेंट रेफरल बोनस तो मिलेगा ही ठीक है सो ये सारे के सारे इश्यूज को यूज़ करें ठीक है उन सारी की सारी ट्रिक्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लें बेनिफिट्स जो पहले के चार हैं वो तो मिलेंगे ही ये एडिशनल मिलेंगे नथिंग कैन बी बेटर देन दिस मेक श्योर टेक द सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन ओके दैट विल बी ऑल फॉर नाउ हैव अ नाइस डे ठीक है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें एंड कैरी ऑन विद योर लाइफ थैंक यू